मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार, ओम शांति। जैसा कि इस समय हम मैं शिवमणि में आई हूँ और शिवमणि में हम आपको दिखाते हैं बाबा का कमरा, जो कि पूरी तरह बांस से बना हुआ है। बाउंड्री से लेकर अंदर तक का सारा दृश्य ले चलते हैं अंदर, लेकिन अंदर हम बोलेंगे नहीं क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल शांति बनाए रखना होता है। तो आप लोग भी मेरे साथ चुपचाप कुटिया के अंदर चलेंगे और देखते हुए चलेंगे, ठीक है? बाकी बातें हम आपको बाहर निकल के बाद में बताएंगे। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दे रखी हुई हैं, कूलर भी है, पंखा भी है और अद्भुत कलाकारी की गई है। बांस को काट करके उससे बनाया गया और देखिए किस तरह इसको कितने सुंदर ढंग से डेकोरेट किया गया। साथ में दोनों ही साइड फरिश्ते हैं। उसके अलावा देखिए झूला भी है और जगह जगह पर बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा झूला कुर्सी भी है और सारा ये एरिया कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और कभी आप लोग को आबू आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो आप लोग यहाँ पर भी अवश्य आइएगा, ठीक। और इसके अलावा हम शिवमणि गए थे, वहाँ पर हमें बीके महादेव जी मिले, जो कि आपके अंदर बैठे आपने देखा होगा, उन्होंने टेम्पो भी कर दिया। पूरा देख कितना खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप कभी आएँ तो आप लोग भी यहाँ पर अवश्य आइएगा और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आप लोग को ये बाबा की कुटिया कैसी लगी और यहाँ का दृश्य आपको कैसा लगा। जो हम लोग हम आपसे मिल रहे हैं तो कम से कम आप मुझे तो देखिए ना, आप लोग को शिवमणि कैसा लगा और मेरा आप लोग से मिलना कैसा लगा, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे आप सबके कमेंट्स का हमेशा बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। भाई सबको ओम शांति। नाकी दीदी नाच रही थे।